हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है हेलो टून कबूतर चैनल पर। तो दोस्तों, आज के दिन ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए कोहरा पड़ रहा है और इधर टोलियाँ दौड़ती फिर रही हैं। तो और अपनी हो रही है आज कावली बाजी, तो अपने कबूतर उड़े हुए हैं, कावली कबूतर सारे के सारे। वो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है भाई, देखो। और तो मज़ा भी आ रहा कबूतर उड़ाने में। और अपना एक कबूतर बैठा हुआ छतरी पे और बाकी उड़ने लग रहे हैं। एक जंगली कबूतर है, काफी मजा आ रहा है भाई आज ठंडा ठंडा मौसम है। काफ़ी देर के उड़े हुए हैं, थोड़ा इनको गर्म कर लिया जाए और उड़ा करके, क्योंकि तो ठंड ज़्यादा है, गर्मी आ जाएगी कबूतरों के बदन में, फिर कर देंगे ना बंद। तो दोस्तों, ये आई टोकड़ी पता नहीं किसकी दौड़ती हुई जा रही है एरी। मौसम ठंडे मौसम में लगता है उस बंदे ने सही खेल पानी कर रखा है कबूतरों में। और ये देखिए, एक टुकड़ी में से एक जंगला लग गया है, पूरा पीछे पीछे चल रहा है। तो हमारे कबूतरों में एक जंगला कबूतर आके लगने की कोशिश कर रहा, निकल गया। चलो इन्हीं को उड़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपका कबूतर भी अगर हवा में आ गया है या सुस्त बैठा रहता है, ठंड खा जाता है, तो भाइयों आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कबूतरों को लहसुन भूनना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप एक काम करना, लहसुन भूनना और भून के एक सुबह और एक शाम को कबूतर को देते रहना। 3 दिन दे देना, आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो हमारा कबूतर है लीला मद्रासी, पहले बिल्कुल ठीक था बच्चा, हल्का आड़ा सा हो गया, लेकिन अब 2-3 दिन से दाना इनने खाना शुरू कर दिया और इनने अपने आप ही दाना खा लिया है। इसको भी मैंने लहसुन भून कर ही दिया है, क्योंकि ठंड ज़्यादा गर्मी रहेगी, उससे इन्हें गर्मी मिलती है और इनकी नस वगैरह खुल जाती है। तो आप भी दोस्तों ऐसे ही करना अपने कबूतरों को, अगर आपका कबूतर आड़ेपन में आ जाए तो तब आप या सुस्त हो या ठंड खाया हो, तो लहसुन भून कर ही दे देना, 2-3 दिन दे देना, उसके बाद आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यही है इन कबूतरों का इलाज। और ऐसे कबूतर हमने काफी कबूतर ठीक भी करे हैं। चलिए अपनी कबूतरबाजी करते हैं, उड़ाते कबूतर। अपना कावली कबूतर है भाई, सही चल रहा है, अभी सही उड़ रहा, सॉरी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।